हाय हाय। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, वो किसी आदमी के साथ।
जो उसने वर्मा ने इसमें स्टिच किया एंड ये स्टॉल एंड सेरा मेरी सिस्टर्स लेकर आई हैं जो इस पे और चार चांद लगा रहा है एंड आज हम रेडी हैं अपने एक बड़े दिन के लिए. सो मेरी लाइफ का ये यू टर्न है एक और जो कभी पीछे नहीं आएगा और हमेशा आगे चलता रहेगा. दुल्हन से तो मिलने आए हैं अभी और अब प्रिंस आ गए अपनी प्रिंसेस को लेकर जाने के लिए. वो लेकर जाएगा बहुत ज़्यादा यहाँ से. हम तो 3-4 दिन से पीछे हम पंजाबी फैमिली हम नाचने गाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं और हम 3-4 दिन से वही कर रहे हैं. हम सोए नहीं हैं बस हम सिर्फ फंक्शन दे कर रहे हैं और आज भी हम पूरा नाचते हैं यहाँ पर भी और घर के वहाँ पे बाहर भी. सो हमने बहुत इन्जॉय किया एक्चुअली. मैं आई रियली डोंट नो क्या थीम है ये नहीं पता मुझे बट अभी अंदर जाके ये देखता हूँ. योगी ने सब कुछ किया सो आई नो वो करेगी तो बेस्ट ही करेगी. यस एक मिनट बात करना. सो लुक उसने मुझे बहुत मुझे पता रहा कि यूवी डार्क पहनने वाली है एंड मुझे था कि उसको मैच करने के लिए मुझे कुछ लाइट पहनना पड़ेगा तो मैंने ये कलर चूज़ किया एंड साथ में कुछ मैच करने के लिए मैरून स्टॉल लिया. सो मुझे पता है जो वो कुछ भी पहन के आएगी तो उसके मैच कर. यस ये मेरी सिस्टर की चॉइस है उनको क्योंकि मैं कपड़े ज़्यादा देखता नहीं हूँ. मुझे जो मिलता है मैं वो पहन लेता हूँ पर मेरी सिस्टर्स एंड यू भी सब मुझे ये पहनो उसमें बिलीव करते हैं तो ये सब कुछ उनकी है मैं कुछ नहीं कर रहा. दोस्तों ने क्या क्या एडवाइस दिया है? दोस्त नहीं है मेरे सिर्फ भाई हैं और भाई सिर्फ मेरे साथ हैं. वो जैसे हम रहते आए हैं वैसे हम रह रहे हैं वैसे ही रहते रहेंगे और बस वो मेरे साथ हैं. वो मेरी खुशी में मेरे साथ हैं और मेरे दुख में मेरे साथ हैं. फैंस के लिए हमेशा ये है थैंक यू सो मच गाइस. आज हम यहाँ पर हैं शादी कर रहे हैं सब कुछ अभी आप हमें पसंद करते हैं हमारी हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो आपकी वजह से मिली है एंड हम कोशिश करेंगे लाइफ टाइम वैसे चलती रहे एंड आई लव यू एंड हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए आप ब्लेसिंग दो. थैंक यू गाइस. Actually, I'm the happiest that these two are getting married because I have always told Prince that Yuvika is the one for you, even when I was in the Big Boss house. So, a lot of best wishes, love, and I hope this is like forever for them. And I'm so happy actually, truly I'm happy. Okay, what do you want to say about Big Boss 12? Actually, Big Boss नहीं देख रही because I was out of country and I just got back. But I've heard few names. Actually, बैठ के देखना पड़ेगा. I'll watch just. I don't know. Big Boss करने के बाद देखना कुछ अलग लगता है. So I can't say anything. Favorite जोड़ी of yours? In Big Boss house. Yeah, Big Boss house. जोड़ी है अभी. My favorite is Salman Khan in Big Boss house. I only watch for that. Simple. Thank you.
Finally ho rahi hai. They had been dating for quite some time and good that they have come into finally our biradri of married couples. As a married lady, aapko kya advice dena chahenge? Tips, I think un dono ne ek dusre ko bahut sahi select kiya. They look very compatible, they look so sweet, they actually give off couple goals. So I think अभी उन लोगों का वक्त है आगे वाले लोगों को एडवाइस देने का. अभी हम थोड़ा सा और एडवांस हो चुके हैं. ऐसी बात जो फैंस को नहीं पता, युविका को पता नहीं, बहुत ज़्यादा डाइट करने का शौक है. वो इतनी पतली है फिर भी पतले होने का डाइट कर रही है. मुझे नहीं पता कि वो क्यों करती है. तो आई डोंट नो, मे बी इवन द फैंस नोज एंड, पर मुझे ऐसा लगता है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. पर हाँ, उसकी अभी अभी शादी हुई है, आज से वो बहुत ज़्यादा खाने वाली है और ससुराल में बहुत ज़्यादा स्वागत होने वाला है मिठाई के साथ. तो गुड दैट शी हैज़ डाइटेड एंड शी डू सम बिंजिंग आफ्टर दिस. क्या कॉफ़ी लाए हैं, इसके लिए क्या तैयारी, किसके लिए, कपल के लिए क्या कॉफ़ी लाए हैं, क्या तैयारी किया? मेरे पति को ऑलरेडी भेज दिया है. ये मैंने एक काम किया अच्छा, कि मुझे बहुत टाइम लग रहा था तो मेरा पति बहुत बेचैन हो रहा था शादी में आने के लिए. तो मैंने बोला चलो युविका एंड प्रिंस, जस्ट टेक माय हस्बैंड एंड गेट एंटरटेन्ड, आई एम कमिंग एंड जॉइनिंग लेटर. नो नो, नॉट रियली, नॉट टुडे. आई थिंक उन लोगों का डांस वांस शुरू हो गया है तो मुझे जल्दी से जाके देखना है. एंड इम्प्रॉम्प्टू तो कभी भी शुरू हो जाते हैं, मैं और गुरु जहाँ पे भी होते हैं. भाई तेरा बहुत बचना, मोबाइल मोबाइल चला, मोबाइल ले भाई, जरा मोबाइल ले कर. थोड़ा पीछे आने गए सर, लुक गया प्रिंस, जो थैंक यू. थैंक यू सो मच गाइस. एक्चुअली आज हमारी शादी हो चुकी है. सो आप ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ और इतनी केयरिंग केयर करने वाली वाइफ मिली है. सो आप सबका थैंक यू, आप सबका, जितने हमें लोग प्यार करते हैं उन सबका, क्योंकि हम आज जो भी हैं सबके प्यार की वजह से हैं. और हमेशा हम काम करते रहेंगे, दिखते रहेंगे और पेंटिंग करते रहेंगे. पर अभी राइट नाउ हमारी जो लाइफ नई शुरू होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि आप सब हमें ब्लेसिंग दें, क्योंकि ये लाइफ का एक सबसे नया मोड़ है जो जो बहुत अगर अच्छी तरह निकले तो सबकी लाइफ बहुत ऐसी होती है. मैं चाहता हूँ आई थिंक इट द फर्स्ट वन जिसने मुझे अभी थोड़ा फील कराया है, मिसेस नरुला. इट फील्स, इट फील्स ग्रेट. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन. आई थिंक मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं अपनी शादी को मैं इतना इन्जॉय करूँगी. आई मीन आई एम गोइंग मैड. आई फील मैं लड़का हूँ और प्रिंस लड़की है. आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू ऑल इतना प्यार देने के लिए. आपने हम लोगों को प्यार में बांधा है. आप भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस चीज़ का, तभी हम लोग साथ में हैं. आप लोगों को हमने हमको आप लोगों ने प्रविका बनाया. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
It feels great to be married. आज का दिन आप दोनों के लिए खास है, बहुत स्पेशल है, तो आप दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया है, थोड़ा सा आपके फैंस लोगों को बताया। आप ये हर लड़के का और लड़की का आपस में हमारी तरह जो भी शादी करते हैं उनको एक प्रॉमिस होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ खुश रहें और मैं कोशिश करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सो मैं चाहता हूँ कि अपने पूरा घर छोड़ कर आ रही हैं अपना और नए घर में एंटर कर रही हैं, तो इनकी खुशी का मैं ध्यान रखूँ। मैं इससे पहले जवाब देता हूँ। आई थिंक जब लड़की एक्चुअली अपनी शादी के लिए रेडी होती है ना, तो वो नूर और जो दिखा रहे हैं ना वो अलग निकलता है। और आज इनका यही है, मैं इनको कितनी बार देख चुका हूँ, चाहे वो शोज़ में है चाहे वो फैशन शो में है, जब ये यू नो दुल्हन बनती है, और जब आज एक्चुअली बनकर आ गई तो मैं, मेरी फैमिली सब हम सिर्फ देख रहे थे। Love you. He's been saying this and we have been just talking and talking. Everybody's like, hold on, our shaadi hui hai. Thank you so much everyone. Please eat and then eat. Ma'am, just 1 minute. पहले तो मोस्ट अवेटेड वेडिंग ऑफ द ईयर, हम लोग प्रिंस भाई के पीछे पड़े हुए थे कि कब शादी करो कब शादी करो, एंड फाइनली दैट डे हैज कम। एक्चुअली काफ़ी लोग जो बिग बॉस फॉलो करते हैं, जो रियलिटी शो फॉलो करते हैं, एक्चुअली पूरी इंडिया इसका वेट करी थी, एंड फाइनली दैट डे हैज कम। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली द पीपल हु लव ईच अदर आर गेटिंग मैरिड एंड दे लुक अमेजिंग टुगेदर, दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, एंड आई वुड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द लाइफ अहेड। मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा मुझे। आपकी तरफ से क्या तोहफा था? मेरे तरफ से तोहफा देना बाकी है, अब देखेंगे अभी स्टेज पर देंगे। टिप्स तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो सबसे छोटा भाई हूँ उनका, और मेरी शादी हुई नहीं, थैंक गॉड, टाइम है अभी। बट जैसे मेरे बड़े भाई बोलते हैं रणबजे भाई, की बीवी की हाँ में हाँ मिलाओ और बाकी सब ठीक रहेगा। सबसे पहले कितने एक्साइटेड हैं प्रिंस और युविका एक होने जा रहे हैं आज के दिन, उनकी शादी है, कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटमेंट एट इट्स बेस्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, भाभी घर आ रही है, भाई की शादी है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड और ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक लव मैरिज है, और मैं प्यार पर विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो प्यार पर विश्वास करते होंगे। प्यार करें तो सच्चा करें, जैसे इन्होंने किया। वो लोग बोलते हैं कि वो रियलिटी शो में जोड़ियाँ नहीं बनती, मैं कहता हूँ कहीं भी बन सकती हैं, कॉलोनी में बन सकती हैं, क्लासरूम में बन सकती हैं, कहीं भी आते जाते बन सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये प्यार जेन्युइन है कि नहीं। अब प्यार जेन्युइन है तो वो मुकाम तक पहुँचता है, और आज पहुँच रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ कैसी बॉन्डिंग रही है प्रिंस और युविका की? मेरे साथ तो बहुत ही कमाल की बॉन्डिंग है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लग रहा है भाभी आप फाइनली घर आ रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, एंड प्रिंस इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। प्रिंस है ही ऐसा सा कि वो सबके इतना क्लोज आ जाता है, इतना स्वीट है वो, तो प्यार ले लेता है वो छीन के, बहुत प्यार करता हूँ प्रिंस। आज के दिन पे क्या खास है? एडवाइस ये देना चाहूँगा, भाई देख मेरे बस की तो नहीं शादी शुदी, तूने करनी थी तूने कर ली, पर मुझे पता है भाभी बहुत अच्छी है, तू हमेशा खुश रहेगा, वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड मैं सारे जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी नागिन के फैंस हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबको ये बोलना चाहूँगा, जितना भी प्यार आप नागिन को दे रहे हैं, जितना भी प्यार आप मुझे दे रहे हैं आज के लिए, प्लीज़ उसे कन्वर्ट कर दीजिए ब्लेसिंग्स में, और प्रिंस और युविका को दीजिए, उनको बहुत ज़रूरत है, उनकी शादी आज। आज आपने अपनी तरफ से क्या तैयारियाँ की थी, मतलब लुक को लेकर, और क्या तोहफा लाया आज दोनों के लिए? आज बहुत सारे तोहफे हैं जो मैं आपको फ़िलहाल नहीं बता सकता, लेकिन तैयारियाँ चल ही रही हैं, इनफैक्ट महीनों से हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं शादियों की, तो बहुत सारी चीज़ें अभी ढोल भी बज ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, मैं नाचने की तैयारी में हूँ। लास्टली क्या बेस्ट विशेज देना चाहेंगे प्रिविका को? बेस्ट विशेज, देखिए आवाज़ें आ रही हैं आपको, उन आवाज़ों में से एक आवाज़ मेरी भी सबसे ऊंची वाली होने वाली है। बेस्ट विशेज यही है कि भगवान आपको आप हमेशा खुश रखे, साथ रखे, कभी आपके आर्ग्यूमेंट्स ना हो जो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ना हो। थैंक यू मोबाइल राकेश।
अरे इतना चिपकाया क्यों? मैंने काम किया एनिमी में और इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एक्चुअली अफरा तफरी में भी था, अनफॉर्चुनेटली दैट फिल्म डिडंट रिलीज. और आई थिंक प्रिंस एंड युविका साउंड्स आल्सो एब्सोल्युटली राइट. आई मीन टिप्स, हाँ काफ़ी साल हुए मेरे शादी के लिए, तो आई थिंक यू नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज यू गॉट टू बिलीव इन ईच अदर. खास करके फ्रॉम अ मैंस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से युविका को काम करने देना चाहिए. शी शुड कंटिन्यू वर्किंग बिकॉज शी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट. बहुत ज़रूरी है एंड ट्रीटिंग योर पार्टनर विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन. देखिए मैं इसे ट्रेंड नहीं कहूँगा. आई थिंक ये हमेशा से होना चाहिए था. शुरुआत तो हुई है लेकिन अगर उस गांव तक पहुँचे जहाँ वो अन्याय ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा. आई सपोर्ट द मूवमेंट कम्प्लीटली. और मेरा बस यही कहना है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को, फ़िलहाल तो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात हो रही है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ बरसों से ये होता आ रहा है. कहीं ना कहीं आगे जाकर ये इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है. लोग कॉशियस रहेंगे और कॉशियस ही नहीं रहेंगे, उनको पता भी चलेगा कि द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी रियली रियली बैड. साथ साथ इसका मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक आके बोल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ. कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप जब सार हो जाता है, लोग उसकी उसे बेस पकड़ के बातें करें. आई थिंक दैट शुडंट हैपन. आई थिंक द लॉ इज़ टेकिंग इट्स कोर्स. जुडिशरी आ चुकी है इसके अंदर और बहुत सारे केसेस और FIR लॉन्च किया हुआ है. तो आई थिंक वी शुड वेट टिल वी प्रूव समवन गिल्टी. आज के लुक के बारे में सिंपल लुक है. A simple suit from Just Men's and that's it. मैम लुक सेंटर. आई एम मच मोर क्लोज टू प्रिंस. मैं उनको अपना भाई मानती हूँ एंड सिंस द टाइम वो युविका के साथ हैं, तब से वी जस्ट बीन हियरिंग ब्यूटिफुल स्टोरीज. एंड आज आई थिंक वो स्टोरीज़ को एक अच्छा मुकाम मिल गया. दे आर गेटिंग मैरिड टुडे एंड उन सबसे ज़्यादा हम ज़्यादा एक्साइटेड थे. वेन एवर वी यूज टू सिट अलॉन्ग, वी ऑलवेज यूज टू डिस्कस शादी पे क्या करना है एंड द डे इट इज़ टुडे. धमाल तो यही है कि भैया के जूते चोरी होने नहीं देने हैं. सो ऑल ऑफ दोज स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हाट वी एक्चुअली सी ऑन टीवी. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट एवर सो क्लोज वेडिंग अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली जो मैं अटेंड कर रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट. दे बोथ आर ब्यूटिफुल कपल एंड दे सेट अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ अस. एंड उनको देख के लगता है कि आज की डेट में भी यू नो देर इज़ लव. And they compliment each other very beautifully and I hope that they live very happily together and the next waiting is the small little baby, I guess. I'm being too greedy right now, but then yes, I so want to see it. Thank you so much and I love you both. Thank you. Are you also looking beautiful? Can you tell us about your look? I just tried to play with some nice colors yesterday also for the Sangeet. I wanted to have some different color and today I'm wearing light pink just to, you know, lighten the occasion a little bit. So yeah, I was actually very excited about my dresses. So kaafi time se achhe designers dhoond dhoond ke I finally come down to these two designs. Thank you.
थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और प्रिंस युविका की शादी हो रही है. ज़्यादातर बिग बॉस में लोग पब्लिसिटी के लिए अफेयर्स करते हैं और बाहर आके वो जोड़ियाँ टूट जाती हैं. आई थिंक ये पहली जोड़ी है जो शादी कर रही है. एंड युविका को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ एंड मैं हमेशा उसे कहती हूँ उसने बिग बॉस सिर्फ प्रिंस को मिलने के लिए किया था. सो सुपर सुपर हैप्पी और तैयारियाँ. आई मीन दिस ड्रेस इज फ्रॉम ज़ाफ मासूमा नाम जोशी. शी जस्ट ओपन अ बुटीक एंड दैट्स इट. और तैयारियाँ नहीं, मैं शादी नहीं अटेंड कर पाई. आई वाज शूटिंग एंड सुपर हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. युविका मेरे से बहुत क्लोज है. युविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और 12 साल से मैं जानती हूँ. जब उसने जी सिने स्टार्स किया था उसने मेरा कज़न था उसमें. सो उससे मैं तब मिली थी एंड आई रिमेम्बर बस जर्नी बढ़ती गई और टचवुड 12 साल से आज भी ज़्यादातर इंडस्ट्री में दोस्तियाँ बरकरार नहीं होती बट हमारी बरकरार है. फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. अरे हाँ यस. ओके फाइन. फ्राइडे रिलीज़ हुई है और चीची मामा की इतने टाइम बाद फिल्म आई. आई सॉ द प्रोमो. ही इज़ हीरो नंबर वन एंड ही विल ऑलवेज बी हीरो नंबर वन, एंटरटेनर नंबर वन. आई थिंक वो युविका को बहुत अच्छी तरह जानता है. आई थिंक चीची मामा भी आने वाले हैं. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्टेस्ट. आई एम गोना मीट हिम एंड लव द प्रोमो एंड ऑल द बेस्ट टू द इंटायर टीम ऑफ फ्राइडे. प्रिविका गॉड ब्लेस यू. विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड ब्लेस यू. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. यस. तो आज प्रिंस नरूला जो मेरे दिल के बहुत ही पास है और बहुत ही मेरा खास है और ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी शादी हो गई. ओ माय गॉड. मतलब उसकी शादी है लेकिन एक्साइटमेंट मुझे बहुत है एंड आज रात पूरी की पूरी रंगीन होने वाली है बिकॉज़ मैंने उसके लिए सरप्राइज परफॉर्मेंस रखी है. कंटिन्यू. हाँ तो आज रात बहुत ही मस्ती होने वाली है बिकॉज़ आज मैंने प्रिंस नरूला के लिए सरप्राइज परफॉर्मेंस रखी है जिसमें कि वो भी परफॉर्म करेगा. एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि हैप्पी मैरिड लाइफ, हमेशा खुश रहो एंड गॉड ब्लेस यू. और कुछ किस चीज़ की एडवाइस? प्रिंस को मैं एडवाइस क्या दूंगा, वो खुद ही इतना समझदार है, किसी की एडवाइस की उसे ज़रूरत नहीं है. बस अच्छे से अपनी लाइफ को वो चलता रहे और ऐसे ही जैसे जल्दी जल्दी वो सारे शो जीता, जल्दी जल्दी उसने शादी कर ली, जल्दी जल्दी वो देखो मैंने बोल तो दिया था कि राज खोलूंगा लेकिन पक्के दोस्त कभी राज नहीं खोलते. बेस्ट विशेज मेरी यही रहेगी हमेशा कि बेस्ट विशेज मेरी यही रहेगी कि हमेशा वो खुश रहे, अपनी फैमिली को खुश रखे जैसे वो अभी रख रखा है और बहुत ही जल्दी वो छोटा सा क्यूट सा बेबी आ जाए, छोटा प्रिंस आ जाए. चलो थैंक यू गाइज. अरे वो बना के लिए
अरे चलो चलते रहो। चल रहा हूँ क्या 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 बैल भगा रहा है क्या यहाँ से? चलते रहो, तू भी यार अभी नहीं ले तेरा सडो आ रहा है पूरा। चेक 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 थोड़ा फोटो अपने और बाइक कर ले। I like I told you, I want to wish them a very very happy married life, and we are very excited to no, meet them. I am wish them a happy married life. Why would you? Because that's what you wish people. So and I'm excited to meet them. We've not, I've not met Prince since that's the time. Month. Yeah. And we've been shooting with him, and he's such a crazy boy, and it's so much fun to work with him. Yeah. वो बहुत सारे फ्रूट्स खाता है। हाँ, शाम के 7 बजे के बाद खाता है, जो सुरभी उसको अलाउ नहीं करती, तो हम छुप छुप के खाते थे। हाँ। ओके, ओके, पर्ल पर्ल भी यहाँ पर आया है, आप लोग नागिन यहाँ पर पूरा टीम है, तो क्या कहना चाहोगे, कितना सम्मान होने वाला है? ये तो आपको अंदर चल के देखना पड़ेगा कि पर्ल कितना नागिन डांस करता है, हम कितनी बीन बजाते हैं। नहीं, हम एम्प्टी बैग लाए, इसमें खाना डाल के वापस ले जाएंगे, और जो भी गिफ्ट्स होंगे जो इसमें फिट हो जाएंगे ले जाएंगे, है ना? अगर एडवाइस देना चाहे तो क्या देंगे? किसके लिए? प्रिंस के लिए एडवाइस। देखो, हेली की शादी नहीं हुई है, वो आई डोंट नो, शादी शुदा हूँ, मुझे पता है एडवाइस डजंट वर्क। हेली चलो एडवाइस। सो व्हेन यू हैव सच अ गुड स्पीकर नेक्स्ट टू यू, आई डोंट थिंक आई हैव टू स्पीक एनीथिंग, शी इज सो फनी एंटरटेनिंग। चलो चलो, नहीं मुझे कुछ बोलना नहीं है, थैंक यू सो मच। नो, मेरे पास एडवाइस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं एडवाइस कैसे दूँ? हाँ, कुछ एडवाइस देना चाहिए कैसे दूँ? मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है शादी का, तो मैं कैसे दूँ? सो लेट मी टेल यू ऑल्सो, हेली, व्हेन यू गेट मैरिड, फाइंड अ मैन हु बिलीव्स दैट द वाइफ इज राइट, क्योंकि जब बीवी सही होती है ना, तो शादीशुदा जिंदगी भी सही होती है। थैंक यू। अच्छा, अगर आपको शादी करना, तो किस तरह का लड़के से शादी करना चाहिए? अगर मुझे शादी करनी है, मैं किससे करूँगी? नहीं नहीं नहीं, क्यों मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे? जो मैं, जो रक्षंदा मैम मेरे लिए पसंद करेंगी, मैं उनसे शादी करूँगी। हाँ, मेरे सेट पे सब मेरी ही बात सुन। हाँ जी, प्रिंस को भी मैंने ही बोला था यूबिका से शादी करो। ओके, थैंक यू। रणविजय सर, क्या कहना चाहेंगे दोनों के बारे में? प्रेमिका की शादी है आज, कितना एक्साइटेड है? फाइनली वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमारी जो Our wishes are with both of them. Prince और युविका को काफ़ी टाइम से जानते हैं, मैं प्रिंस को तो बहुत टाइम से जानता हूँ। जब उसने पहली बार युविका का जिक्र किया था, जिस तरीके से किया था, और जितने प्यार से उसके बारे में बात कर रहा था, उस टाइम में मेरी वाइफ ने बोला था कि इनकी ज़रूर शादी होगी, एंड सिंस दैट डे वी बीन वेटिंग। आज एज यू कैन सी, पसीनों में हम लोग एकदम लथपथ है, बिकॉज भाई की बारात है, दोस्त की बारात है, उसमें खूब डांस किया हमने, अभी अंदर भी बहुत नाच गाना चल रहा है, वी आर एंजॉयिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग टू पीपल कमिंग टुगेदर, एंड जब वो अपनी फैमिली में ही हो, इट्स अमेजिंग। सारे रीति रिवाज धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द एल्डर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई लाइक द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स आर हियर, और सब इस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। प्रिविका, जैसे कि आपने नाम रखा है, इट्स ऑल्सो लाइक जो भी मतलब फोटोग्राफ वगैरह डाल रहे हैं, तो
we can see ki kya kya ho raha hai through that hashtag and we're really happy here. एक शादीशुदा आदमी को जितनी मर्जी टिप्स दे दो करना तो उसी को पड़ेगा जो करना है. आई जस्ट थिंक शादी के बाद व्हाटएवर युविका सेज शुड हैपन बिकॉज वाइफ इज ऑलवेज राइट. और आपको भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है प्रिंस, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं आप? शादी के बाद लाइफ में एक ही इंस्पिरेशन होती है कि घर पे खुशहाली कैसी रखी जाए, और उसके लिए जो मैंने पहले बोला है दैट युविका विल ऑलवेज बी राइट, उसका अगर वो पालन करे तो खुश रहेगा. बट आई एम रियली हैप्पी कि एक सही टाइम पर सही पार्टनर मिलना चुनना और उसको एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना. एंड यू नो शादी से बढ़कर कुछ नहीं होता, इतनी अच्छी कमिटमेंट है एंड द टू फैमिलीज आर हैप्पी. एंड हम इफ आई एम एक्चुअली मैं दोनों की तरफ से हूँ, बट अगर मुझे कोई बोले कि मैं प्रिंस के ज़्यादा करीब हूँ, वी आर वेरी लकी टू हैव युविका एज आ भाभी एंड कुंड वासर एनी बड़ी बेटर शी इज एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे. एक्चुअली जो पहला सवाल का पहले जो पार्ट है वो कि भाई होने के बहुत सारे फ़र्ज होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो कभी म्यूज़िक को करना कभी ये करना, तो बेसिकली सम ऑफ अस ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बीच में जब भी कोई काम होता है, जब उसके बीच में लोगों के साथ घुलना मिलना, अभी जैसे युविका को हमने उठा रखा था, प्रिंस ने भी उठा रखा था, वरमाला हुआ एक्सचेंज, इट्स अ लॉट ऑफ फन. और ये मोमेंट्स बाद में नहीं आते एंड दैट्स वाई आज की दुनिया में मैं देखा कि लोग फोटोग्राफ्स और वीडियोस में बहुत मगन हो जाते हैं उनको कैप्चर करने में, बट वी आर लिविंग दीज मोमेंट्स एंड वी वेरी हैप्पी, तो मज़ा आ रहा है अंदर. आई एम इचिंग टू गो बैक इन व्हेन एवर यू गाइस रेडी. थैंक यू गाइस. मैं तो जूते भी चेंज कर ली. मैम राइट में इधर Well, Yuvika is a very, very close friend of mine, and I couldn't be more happy than, you know, coming here today and celebrating together with them. She has been waiting for this big day, her wedding, for a very, very long time, and I think Prince and Yuvika, they are like just a lovely, you know, fairy tale kind of couple. So finally, we came here and to celebrate their happiness. So yeah, I kind of got ready here, and I can't wait to go inside and celebrate with them. Any best wishes for this couple? Of course, Yuvika and Prince, I love you so much. All the very, very best for you and for your future, and congratulations. I love you both. Thank you so much. रुकी रुकी मैम, आप एक फोटो मैम, जय भाई, जय भाई, वहाँ पे जय भाई साथ में फैमिली फोटो. ये जाने दो आंटी, उधर कर दो उधर. हाँ जय जय भाई सामने, जय भाई लेफ्ट लेफ्ट टू राइट. हाँ लेफ्ट टू राइट फोर. रुको भाई, बस हुआ एक मिनट मैडम, सर सर भाई. हाँ जी, बहुत खूबसूरत सा बुके है, और बस फिलहाल यही है. मैं लेट्स लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑन रेड कार्पेट इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है? भाई अभी विशाल को देखा तो मेरे को लग रहा है कि मैं तो अंडर परफॉर्म करके आ रहा हूँ यहाँ पे, तैयारी नहीं की है, इसने पूरा होमवर्क करके आया यार. मतलब इतना इज लुकिंग वेरी गुड एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड. मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट क्या कहते हैं, आओ बहन चुगली करे चल रहा है एक दूसरे के बीच. हाँ सो या गिफ्ट बताओ क्या लेकर आए हैं? हाँ, अभी गिफ्ट नहीं लाए, ऑब्वियसली मैं युविका को बाद में गिफ्ट दूंगी.
लहंगा संभालू पहले गिफ्ट, क्योंकि ये गिफ्ट नहीं संभालने वाला था, मेरे हाथ में देने वाला था। मैं युविका को यही बोलूँगी कि जो आदमी होता है वो कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बोले नहीं नहीं यू कैन ट्रस्ट नो, आदमी कभी बड़ा नहीं होता है, सो ट्रीट देम लाइक अ चाइल्ड एंड यू हैव टू बी देयर मदर बस। प्रिंस को इतना ही कहना चाहूँगा दैट क्या कहते हैं, शादी एक पायलट और को पायलट का एक रिश्ता रहता है, जो वाइफ होती है वो को पायलट की तरह आती है लेकिन कब पायलट की जगह ले लेती है और आगे ले लेती है पता ही नहीं चलता। सो या तो ऑटोमेटिकली सब कुछ यू नो ऑटोमेटिकली सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, प्लेन भी ऑटो पायलट पे एक टाइम पे चलना शुरू हो जाएगा, सो यू कांट कंट्रोल दिस थिंग, ये सब कुछ सही चलता है फिर। दिस इज वेयर द एक्सपीरियंस कम, या दैट्स व्हाट या 8 9 इयर्स आई डोंट नो व्हाट क्या विश कर, गुड लक एंड मेक बेबी सून, वी वांट टू सी शादी तो हो जाने दे मां आप मतलब जल्दी जल्दी बेबीज करो और क्या, एंड गुड लक फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ। या हमारी तरफ से भी सेम, कोई तो पसीने क्यों आ रहे हैं, बिकॉज़ इट्स टू हॉट, चलो एंड आई एम टू हॉट, टू हॉट थिंग्स टुगेदर, चलो जी मैं बहुत खुश हूँ प्रिंस के लिए। नॉट मैनी ऑफ यू नो मैंने कंटेस्टेंट तरीके रोडीज़ किया था, तब वो मेरे गैंग लीडर रह चुके हैं और उसके बाद मेरे दोस्त बने हैं, सो आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड इज गेटिंग मैरिड। युविका इज़ अ ब्यूटिफुल गॉर्जियस गर्ल, मैं हमेशा उसको बोलती रहती हूँ ब्यूटिफुल इनसाइड आउटसाइड, सो आई एम रियली ग्लैड उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, वेरी गुड लुकिंग कपल एंड वेरी गुड लुकिंग कपल फ्रॉम द हार्ट एंड फिजिकली। सीक्रेट प्रिंस इज़ लाइक एन ओपन बुक, या आप लोग ने उनका बिग बॉस नहीं देखा है क्या, वो जो है मुंह पे है, कुछ सीक्रेट वीकर नहीं है। हाँ ये सीक्रेट है कि वो युविका को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो ये तो आपको बहुत जल्द ऑलरेडी पता है या पता चलेगा मैरिज के बाद, आई डोंट नो। How many times was he? You're everywhere. एक साल हो गया अब बस। थैंक यू मैडम, पिक्चर देने आप सर, आप भी आओ जरा एक दोनों जन के साथ में फोटो लो। मैंने बोला ना वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है युविका को लेके, ही सीम्स लाइक अ वेरी टफ एकदम माचो टाइप मैन, एकदम टफ, लेकिन अंदर से व्हेन इट कम्स टू युविका ही एक्सेसिवली इमोशनल। लड़कियों का तो दिखता ही है, लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती हैं, दे शो इट, बट इन दिस केस आई थिंक प्रिंस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इमोशनल एंड दैट्स सुपर क्यूट। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आज के लिए क्या तैयारियाँ की हैं स्पेशली आप दोनों ने? थैंक यू सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट, दोस्त हमेशा साथ अच्छे लगते ही हैं और हम अच्छे लग रहे हैं, तो कुछ तैयारी नहीं करी यार, हम अंदर जाके बहुत पार्टी करने वाले हैं एंड बहुत कम मिलता है, मैंने जैसे ये बोला ही है आप सभी को कि हम सब एक साथ गैदर होते हैं, सो इट्स हमारे लिए तो मौका है और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं आज वैसे भी, एंड ये बहुत अच्छी लग रही है एंड आज और सब बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आई एम सो श्योर, सो आई एम जस्ट वेटिंग यार, वी गोना हैव द ग्रेट टाइम टुनाइट। ओके एडवाइस देना हो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस 12 मैन, हां एंड मैंने फॉलो नहीं किया बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग, आई फॉलो इट अ लिटिल बिट नॉट टू मच, जब मुझे टाइम मिलता है मैं देखती हूँ, बिकॉज जो हमारे रोडीज और सब में से काफ़ी कोई कंटेस्टेंट्स है और इट्स अ गुड बंच, इट्स अ डिसेंट बंच, नॉट टू स्कैंडलस द वे आवर सीजन पीपल वर, क्लास ईयर दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग, लास्ट टाइम अच्छा लग रहा है, सबसे बेस्ट कौन प्ले कर रहा है, आई कांट रियली टेल, अभी इट्स टू सून टू डिसाइड, आई थिंक शीशांत इज एक्सट्रीमली इमोशनल, वेरी एक्सप्रेसिव एंड आई थिंक वो बहुत ही स्वीट है, लाइक अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेसिव और
he seems like he's angry and all, but he's actually the most real, you could say. वेल दोनों बहुत ही क्यूट कपल हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं साथ में, और बहुत सारा वार्म अप करके अभी आए हैं हम लोग, सो दैट अभी यहाँ पे बहुत सारा डांस कर पाए. तो मैं प्रिंस को यही कहूँगा कि अब शादी हो गई है तो बीवी जो बोले उसमें हाँ मैं हाँ कर पाए. सभी जानते हैं अच्छा डांस करता हूँ, बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी गाना बजेगा बॉलीवुड उसमें डांस कर लेंगे. अच्छा, आप जिनके मैरिड, आपने कहा कि एक से टू मेरी आपकी, इसके अलावा कोई टिप देना चाहेंगे आपके प्रिंस के लिए? प्रिंस के लिए मैंने एक कहा है कि बीवी जैसे बोले, अगर बोले रात के बदले दिन है तो उसको हाँ बोलना होगा. ओके, एंड कुछ गिफ्ट लेके आए हैं आप? हाँ जी, गिफ्ट लेके आए हैं आप? बहुत सारा प्यार लेके आया हूँ दोनों के लिए. और देवीना पीछे से आ रही हैं, उनके वो बहुत कुछ और भी अच्छा खासा कुछ लेके आ रही हैं, तो उनसे आप ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा आपको मालूम चलेगा. वेल देखिए, मी टू मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ सारी लड़कियों को. और मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार कोई भी कुछ भी ऐसा करने से पहले दो बार सोचें, और जो भी बाहर के लोग हैं या जो भी लड़कियां हैं वो जब भी यहाँ पे आए तो सेफ अपने आप को महसूस कर पाए. काफ़ी सीनियर्स लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे सुभाष है और भी है काफ़ी, क्या करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टैंड है कि क्या रियलिटी है? देखिए, जो भी ऐसा कुछ आ रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि हम सभी उनके साथ हैं, सपोर्ट के लिए खड़े हैं, और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं, आप सामने आएँ और अपने हक के लिए लड़ें. पासवर्ड 888 I am so happy for them. My association with with this beautiful couple is not very old, but it's not that it's not very deep. We have worked together, Prince and I, in Nagin 3. He's an amazing person, and whatever talk you know I had with Yuvika, she is a phenomenal lady, and I'm so happy that they are together. Of course, you know, they have been together, but this is, you know, finally that stamp of the society that they are married, and I'm very, very happy for both of them. All I have to say is, you know, a lot of appreciation, because I'm not being biased. I'm a Punjabi, he's a Punjabi. So बहुत ही उसके साथ पंजाबी कनेक्शन हो गया था. मैं और प्रिंस पंजाबी में बात करते थे तो बहुत मज़ा आता था शूट करने में. And he's just fun to be with, you know. वो बहुत अच्छे से रहता है. And you know, whoever he is, he's a star right now, but he's very down to earth, he's very grounded, he's very nice to people, जो कि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है एक सेलिब्रिटी. अच्छा, कोई एक बेस्ट जॉब इनसे कहना चाहेंगे? बिल्कुल कि आप बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ, इसी तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहें. प्रिंस युविका की बातें मानता रहे और युविका नखरे दिखाती रहे. एंड या वेल, दे लुक really really nice together, and I wish all the happiness to both of them. Of course, I'm looking forward to the moment ki jab main upar jaun aur sabse milun. We will dance, we'll have fun. Kuch
पर्टिकुलर सॉन्ग है माइंड में कि ऑल पंजाबी सॉन्ग्स ऑफ कोर्स ऑल पंजाबी मीटू मूवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड के बारे में बॉलीवुड के लिए आ गया है क्या कहना सुनूं मैं